माइंडिया माइंडिया चैनल में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्था। तो इस वीडियो में ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विभाग एवं प्रौद्योगिक संस्था के विषय में डिस्कस किया जाएगा। तो त्रिस्ति, तो पूरे इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म त्रिस्ति, यानी टी से ट्रांसलेशनल, एच एस स्वास्थ्य विभाग, टी आई प्रौद्योगिक संस्थान। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर, जिसे वैकेंसी नोटिफिकेशन कहते, तो दिया हुआ, तो नेम ऑफ द पोस्ट, एज लिमिट, नंबर एंड पोस्ट। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिफाई एंड एक्सपीरियंस, तो मैक्सिमम क्वालिफाई और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो रिसर्च एसोसिएट वन, तो रिसर्च एसोसिएट वन का पोस्ट होना चाहिए। पीएचडी डिग्री इन प्रोटीन्स, तो प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। तो पीएचडी में डिग्री आपके साथ प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो ये होना चाहिए। और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मैनुअली एक्सपीरियंस सिस्टम इन डिस्क्रेबल, तो मिला जुला के पे ग्रेड वगैरह, तो 47,000 प्लस HRA यानी महंगाई भत्ता, ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो लास्ट डेट अप्लाई 27 दिसंबर 2021, तो 27 दिसंबर 2021 तक इसको अप्लाई कर दिए। दो अप्लीकेशन विल बी शेड्यूल्ड, तो यहाँ पे पूरा करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट, तो 35 ईयर 2, तो मैक्सिमम मतलब 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आर इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, तो यहाँ पे MSc आर इक्विवेलेंट डिग्री इन लाइफ साइंस, MBSc फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन सेल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके बाद 25,000 प्लस HRA, तो 25,000 के साथ आपको इसे, तो ये भी 27 दिसंबर तक अप्लाई करना है। उसके बाद डॉक्टर, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो कि कौन है, तो डॉक्टर पूरा नाम वगैरह दिया हुआ है, तो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, तो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टू पोस्ट है, तो पीएचडी इन ब्रांच लाइफ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलासफी की डिग्री होनी चाहिए इन एनी ब्रांच लाइफ साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आर MSc आर इक्विवेलेंट डिग्री इन ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 4 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेटिव फील्ड। उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी वर्क, DNA स्क्रीनिंग एंड एनालिसिस ऑफ DNA सीक्वेंस, तो ये होना तो 42,000 प्लस HRA। इसी प्रकार रिसर्च एसोसिएट वन पोस्ट, तो PhD ऑफ एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, PhD ऑफ एनी ब्रांच ऑफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो रिसर्च एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ ह्यूमन इम्यूनोलॉजी एंड क्लिनिकल सैंपल
हेडिंग तो रिसर्च एक्सपीरियंस हो जो कि ह्यूमन इम्यूनोलॉजी एंड क्लिनिकल सैंपल्स हैंडलिंग से रिलेटेड होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 47,000 प्लस HRA आपको मिलेगा। इसके बाद रिसर्च एसोसिएट फर्स्ट एंड सेकंड, तो रिसर्च एसोसिएट फर्स्ट एंड सेकंड, तो 35 ईयर फॉर आर ए एंड 40 ईयर फॉर आर ए सेकेंड, तो वन पोस्ट। तो फॉर रिसर्च एसोसिएट फर्स्ट PhD इन लाइफ साइंस, तो डॉक्टर ऑफ फिलासफी की डिग्री लाइफ साइंस से, PhD इन लाइफ साइंस, तो PhD डॉक्टर ऑफ फिलासफी की डिग्री लाइफ साइंस से। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री बायो टेक्नोलॉजी EMI, इसके बाद रो बीओलॉजी इम्यूनोलॉजी फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो रिसर्च एसोसिएट सेकंड, तो इसमें भी PhD इन लाइफ साइंस बायो केमिस्ट्री बायो टेक्नोलॉजी EMIC वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक्सपीरियंस इन डिसीजनिंग फ्रॉम से, तो यहाँ पे सेलुलर इम्यूनोलॉजिकल एनालिसिस दैट इज, तो पूरा होना चाहिए। तो रिसर्च एसोसिएट फर्स्ट 47,000 प्लस HRA, तो ओवरऑल रिसर्च एसोसिएट सेकंड 49,000 प्लस HRA, तो 27 दिसंबर तक ये भी अप्लाई करना है। इसी प्रकार बहुत सारे हैं, तो दो तीन और हैं उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगला निकल के प्रोजेक्ट असिस्टेंट, तो उसी प्रकार प्रोजेक्ट एसोसिएटेड 35 ईयर 1 MSc, तो लाइफ साइंस के साथ। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस प्लस 28,000 प्लस HRA, उसी प्रकार प्रोजेक्ट असिस्टेंट सेकंड, उसके बाद 35 ईयर प्लस, यहाँ पे 2 पोस्ट है MSc आप फील्ड इन लाइफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस, और यहाँ पर भी 35,000 प्लस HRA। तो स्कॉलर्स हु आर सेलेक्टेड थ्रॉट ए नेशनल इलीज, तो आपको पास नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, तो जैसे UGC CSIR नेट गेट जो कि एक वैलिड एग्ज़ाम है। तो रिसर्च एसोसिएट तो 35 ईयर, तो PhD डिग्री इन बायो स्टैटिकल डाटा साइंस इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर भी। उसके बाद एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर प्रोग्राम, तो 47,000 प्लस HRA। उसके बाद रिसर्च एसोसिएट सेकंड 40,000, तो PhD ब्रांच ऑफ लाइन साइंस। इसके बाद एक्सपीरियंस इन आइसोलेशन एंड ई, तो यहाँ पर भी। उसके बाद 49,000 प्लस HRA, तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, तो एज लिमिट वगैरह, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो कैसे अप्लाई करना है, तो आपको ज़्यादा नहीं था, आप डायरेक्ट इसी वेबसाइट पे, तो जनरल OBC जो है और अनरिजर्व OBC EWS 236 रुपये। उसके बाद SC ST PWD 118 रुपये, तो MB हेड एडमिनिस्ट्रेशन, तो डायरेक्ट आप इसके वेबसाइट पे यहाँ पे टी
THRUSTI, तो त्रस्ती, थ्रस्टी, तो इंटरनेशनल स्वास्थ्य विभाग प्रौद्योगिक संस्था। तो थैंक यू।